say his name 5 times while looking in the mirror. He appears in the reflection and kills you. Welcome to the world of Dyad. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ top 10 great horror movies so far. हमारी number 10 पे है Don't Breathe 2. फेल हो गई, गन मेरे हाथ में है। सॉरी डैडी, अगली बार नहीं होगा। डोंट ब्रीथ 2 एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है रोडोर सियागस। ये मूवी सीक्वल है 2016 डोंट ब्रीथ की। फिल्म के स्टार कास्ट है स्टेफन लैंग एज अ ब्लाइंड मैन, सपोर्टिंग कास्ट में है ब्रैंडन एंड मेडेलिन। फर्स्ट मूवी के क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस के बाद इस फिल्म की सीक्वल नवंबर 2016 में स्टार्ट हुई। सोनी पिक्चर्स ने डोंट ब्रीथ 2 को रिलीज किया था अगस्त 2021 में। फिल्म सेट है आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम द इवेंट ऑफ द फिल्म। असल में तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे साथ है। वैसे तुम नहीं जानती वो कौन है, मगर मुझे उसकी असलियत पता है। अब मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? हमारी नंबर 9 पे है द विगिल। बागला उविज़मन करीब वे मुआमेल। द विगिल एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर और राइटर है कीथ थॉमस। द विगिल प्रीमियर हुई थी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उनको लिमिटेड थियोरेटिकल स्क्रीन मिली थी। फिल्म रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में फरवरी 2021 में। इस मूवी में एक यंग मैन अग्री करता है एक रिचुअल को पूरा करने के लिए, और फिर वो एक विगिल में डेड बॉडी के ऊपर बैठता है। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही है। उसके बाद मूवी की कहानी आगे बढ़ती है। The Muzzik will find another broken person. हमारी नेक्स्ट फिल्म है रॉन्ग टर्न। What is that? रॉन्ग टर्न एक हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है माइक पी नेल्सन। ये फिल्म रिबूट है और 7th इंस्टॉलमेंट है रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज की। रॉन्ग टर्न थियोरिटिकल रिलीज हुई थी जनवरी 2021 में। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक। They said they would be the foundation on which a new nation would be built. ये एक डायन का टोटका है। तुम्हारे परिवार को किसी ने श्राप दिया। The Conjuring, The Devil Made Me Do It एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है माइकल चावेज। ये फिल्म सीक्वल है कंजूरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि एक 7th इंस्टॉलमेंट है कंजूरिंग यूनिवर्स की, जो एक डेमोनिक केस है जिसे पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया था। ये फिल्म ओरिजिनली रिलीज होने वाली थी 2020, बट ड्यू टू पैंडेमिक द कंजूरिंग द डेविल मेड मी टू डू इट इट वॉज रिलीज बाय वार्नर ब्रदर्स एंड न्यू लाइन सिनेमा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जून 21। द कंजूरिंग पार्ट 1 के डायरेक्टर वॉन ने एंटरटेनमेंट वीकली में ये कहा था कि इस फिल्म के मेकर्स हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्क्रिप्ट को अच्छी बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। डायरेक्टर वॉन ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये फिल्म पर वो काम नहीं कर सकेंगे ड्यू टू देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट। लोरेन, हमारी नेक्स्ट फिल्म है हॉलोवीन किल्स। हॉलोवीन किल्स एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है डेविड गॉर्डन ग्रीन। ये फिल्म एक सीक्वल है हॉलोवीन 2018 की और 25th इंस्टॉलमेंट है हॉलोवीन फ्रेंचाइज की। फिल्म की स्टार कास्ट है जेमनी कल्टीस एंड जेम्स जूड कॉर्टने। कोविड-19 की वजह से ये फिल्म रिलीज हुई थी सितंबर 2021 में। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स, जैसे कि फिल्म की ब्रूटालिटी, क्रिएटिव स्किल्स, स्कोर, सिनेमेटोग्राफी एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये फिल्म क्रिटिसाइज हुई थी वीक स्क्रीन प्ले के लिए और अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर की वजह से। Do it. Do it!
हमारी नेक्स्ट फिल्म है स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ शॉ। भाई मैं Hello, Detective Banks. Do you know where your officers are? Spiral, The Book of Saw, एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है डैरेन लेन बाउजमैन और राइटर है जॉस स्टोलबर्ग। ये फिल्म स्पिन ऑफ है और 9th इंस्टॉलमेंट है शॉ फिल्म सीरीज की। ओरिजिनली ये फिल्म शेड्यूल की गई थी मई 2020 में, लेकिन COVID-19 की वजह से ये फिल्म रिलीज हुई 2021 में। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए थे। कहानी को फॉलो करें तो एक डिटेक्टिव जो कि अपने रूकी पार्टनर के साथ चार्ज करता है एक इन्वेस्टिगेशन को, बट अनविटिंगली कैप हो जाता है किलर की गेम में। He could be anyone. We are gonna tear this city apart. हमारी नेक्स्ट फिल्म है द अनहोली। मेरे पास तुम्हारे लिए कहानी है, शायद एग्जामिनर को वो कहानी पसंद आएगी। एक लड़की है जो जादू दिखाती है, उसका नाम मैरी है। द अनहोली एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसके राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इवान। ये मूवी बेस है नोवेल स्क्रीन 1983 के ऊपर। कहानी को फॉलो करें तो ये एक जर्नलिस्ट के ऊपर फोकस करती है जो कि न्यू इंग्लैंड में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया होता है एक लड़की को जो कि मिरेकल करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये जो मिरेकल है वो कहीं ज्यादा डार्कर है। द अनहोली थियोरिटिकल रिलीज की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स अप्रैल 2021 में। क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी ये मूवी ने कॉमर्शियल सक्सेस अर्न की थी। द फिल्म ग्रोसेड ओवर 31 मिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट 8 मिलियन बजट। उस पर विश्वास करो, उसे अपनी आत्मा दे दो। हमारी नंबर 3 पे है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। पता नहीं तुम इतनी दूर क्यों आए, अब कुछ भी नहीं बचा है। A Quiet Place Part 2 एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है जॉन क्रासिंस्की। ये फिल्म एक सीक्वल है A Quiet Place Part 1 2018 की जो कि फॉलो करती है एक फैमिली को। ये फैमिली सरवाइव करती है पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जो इनहिबिटेड है ब्लाइंड एलियंस जिनके पास अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है। इनकी पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस के सक्सेस के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने ये दूसरी फिल्म बनानी स्टार्ट की। बहुत से लोग मदद के लिए तड़प रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? मुझे पता है। जो लोग जिंदा बचे हैं वो बचाने लायक बिल्कुल नहीं है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है एडलर्स। एटलर्स एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर है स्कॉट कूपर। फिल्म की कास्ट है कैरी रसेल, जेसी पेलमंस। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है स्कूल टीचर को जो कि सस्पेक्ट करते हैं अपने एक स्टूडेंट को जो कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सफर करता है और उसको ये नहीं पता होता है कि उसके घर में एक डेविल डीमन का साया है। ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जुलाई 2018 में और एटलर्स प्रीमियर हुई थी अक्टूबर 2021 में। हमारी नंबर 1 पे है कैंडीमैन। कैंडीमैन एक सुपरनेचुरल फिल्म है जिसके डायरेक्टर है नीना डाकोस्टा। ये फिल्म एक सीक्वल है कैंडीमैन 1992 की और फोर्थ फिल्म है कैंडीमैन फिल्म सीरीज की। कैंडीमैन थियोरेटिकल रिलीज की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में अगस्त 2021 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। इस फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे क्रिटिक्स के द्वारा, जिन्होंने डाकोस्टा को डायरेक्शन और विजुअल स्टाइल के लिए प्राइज किया था। द फिल्म ग्रोसेड 77 मिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड अगेन 25 मिलियन बजट। My victim.